यहाँ से वृंदावन में वाहनों को प्रवेश बंद है। आप देख रहे हो कि आज गते आपको पैदल जाना पड़ेगा बिहार जी की तरफ में। आप देख पा रहे हो बिहार जी की तरफ में बहुत भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है, पैर रखने की जगह ना है। इस्कॉन मंदिर पर भी देख लो भीड़ है अच्छी खासी। राधे राधे भैया, जय श्री मन्नारायण। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलूंगा परिक्रमा मार्ग में और आज हम करेंगे परिक्रमा मार्ग के दिव्य दर्शन। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। यदि आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो तो जुड़ सको। तो अभी हम लोग चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग। तो जय श्री मन्नारायण, राधे राधे। तो आज मैं आपको डायरेक्ट परिक्रमा मार्ग में ना लेके जाऊंगा। आज मैं आपको मायावती हॉस्पिटल यानी मायावती जो है हॉस्पिटल वहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और बाकी व्यक्ति की तरफ में चलेंगे। तो आप जो एरिया देख रहे हो, याद कहते हैं बाहर की गाड़ी इनको प्रवेश ना है। सारी गाड़ी जो भी है बाहर से आने वाली वो सब इधर में ही पार्किंग में लगा दी जाएंगी। तो आप यहाँ से फिर आप पैदल रास्ता तय करोगे बाकी व्यक्ति मंदिर के काजे, या तो आप यहाँ से टोटो वगैरह पकड़ पाओगे या फिर आप पैदल यहाँ से बांके बिहार जी के काय जा पाओगे। यहाँ से बांके बिहार जी का मंदिर मैं आपको बता दूँ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप टमटम में भी बैठते हो, यानी मैं टमटम को कहने का मतलब यह है जो चल रही का ट्रेनी, अगर आप यहाँ में भी बैठ के जाओगे तो मैं आपको बता दूँ ये भी आपको बांके बिहार जी मंदिर पर डायरेक्ट लेके ना जाएगा, कछु पहले ही उतार देगा, तब वो आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आए को चल रहे हैं जो जिवालो एरिया, यानी जो जी रास्ता नजर आ रही का ये तिराय हो जी रास्ता गई है प्रेम मंदिर के काजे और इस्कॉन मंदिर के काजे और ये छठी करा के काजे भी जी रोड निकलो हुए है। तो आज देख रहे हो कि आज भीड़ की वजह से कोई भी गाड़ी वृंदावन में प्रवेश ना कर रही, जो लोकल गाड़ी है क्योंकि भैया लोकल वाहन में थोड़ा निकलना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हो पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है और लोग बाग भी जो भी बाहर से आए हैं वो लोग पैदल पैदल भाई जा रहे हैं बाकी बिहार जी की तरफ में। तो अब हम चलेंगे बिहार जी की तरफ में और आज की स्थिति देखेंगे कि आज कितनी भीड़ भाड़ है। कछु लोग मोते जी भी कह रहे थे कि यार हमें डेली अपडेट करते रहे करो। तो अभी मेरा प्राय दर्शन कराने का तो मन है ना है, मेरा बस यही मन है कि आप सबन को प्राय अपडेट करते रहूँ कि अभी वृंदावन की क्या स्थिति है कैसे है। तो अब मैं आपको लेके आ गया अटल्ला चुंगी पे है। ये अटल्ला चुंगी है, यहाँ जी कहते दो रास्ता निकले हैं, एक रास्ता आपको बता दूँ परिक्रमा मार्ग को गए हुए हैं और एक रास्ता बिहार जी की तरफ में गए हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रास्ता पर फिर से आएंगे एक बार, लेकिन मैं अभी परिक्रमा मार्ग में एंटर ना करूँगा, पहले मैं आपको बिहार जी की तरफ में लेके जाऊँगा। बिहार जी की तरफ में ले जाके फिर हम लोग परिक्रमा में प्रवेश करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बाकी बिहार जी की तरफ में। तो जो देख रहे हो जी वालो जो रास्ता जी नज़र आ रही है यही रास्ता गई है भैया अटल्ला चुंगी के काजे और अटल्ला चुंगी तो होते हुए बिहार जी के काजे। तो अब हम लोग आए को चल रहे हैं और मैं अब लेके आ गया हूँ जो विद्यापीठ चौराहे पे, विद्यापीठ चौराहे की तरफ में चलेंगे। तो आप देख रहे हो कि भैया भीड़ अच्छी खासी है, भीड़ में कोई कमी ना है आज भी, पर हाँ थोड़ा सा 19-20 है जो आपको ये जगह खाली दिख रही है क्योंकि मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। या हमारे आपको यहाँ पे इतने लोग गिने चुने से नजर आ रहे हैं, लेकिन आप मंदिर की तरफ जाओगे तो मैं आपको बता दूं भीड़ बहुत है और अभी आने वाले समय में भी काफी भीड़ होगी। अभी सुबह को समय या वजह से, और भाई सर्दी भी बहुत है, सबसे ज्यादा सर्दी है, सर्दी की वजह से थोड़े से दर्शनार्थी बहुत कम निकल रहे हैं धीरे, और थोड़े से मतलब मौसम चेंज होते ही भाई जा जगह मैं आपको बता दूं आपको पैर रखने की जगह ना मिलेगी, और क्योंकि इतनी भीड़ है। और प्रशासन भी खूब अच्छे थे आप सब की सेवा में लगा हुआ है कि आप सब आराम से बांके बिहार जी के दर्शन करके आप लोग निकल के जा सको। तो देखो आप लोग आ रहे हो, अच्छी बात है, आ जाओ, लेकिन बस विशेषकर यही ध्यान रखियो कि अपने बच्चों को लेकर और बड़े बूढ़े लेकर तो भैया आइए मत अभी यहाँ समय न्यू ईयर पर, क्योंकि जहाँ भीड़ देख के आप लोग मन मत बना लियो कि हम लोग चलें, क्योंकि भीड़ बहुत है मंदिर की तरफ में, बहुत भीड़ है। और अभी आपको थोड़ी सी सड़क पे थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन भाई मंदिर में बहुत भीड़ है, आप कोई से भी मंदिर में चले जाओ। और प्राय अगर आ भी गए हो आप वृंदावन, टिकट वगैरह तुम्हारी बन भी चुकी है, तो भाई आ भी जाओ, लेकिन विशेषकर ये ध्यान रखियो कि यदि आपको बाकी बिहार की तरफ में अगर भीड़ आपको नजर आए तो बिहार जी मंदिर में मत जाइए, क्योंकि वहाँ उतना स्पेस ना है और बहुत भीड़ है। तो आप लोग बिहार जी ना जाके वृंदावन में बहुत मंदिर हैं, जैसे राधा दामोदर, श्याम सुंदर, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, रंग जी मंदिर, निधिवन और
आपके तटीय स्थान, आप इन जगह भी जा सको और बहुत विशेष दर्शन है, प्राचीन दिव्य मंदिर है, आप वहाँ जाके भी दर्शन कर सको। और अब हम लोग आगे को चल रहे हैं, आगे में जाके हम लोग अब प्रेम मंदिर की तरफ में चलेंगे और इस्कॉन मंदिर की तरफ में चलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रोड भैया खाली ना है, रोड भरा भया है पूरी तरीके से, भीड़ भाड़ है, गाड़ी वगैरह भी खड़ी हुई है और विशेषकर बहुत भीड़ है अभी और आने वाले समय में भी रहेगी। तो अभी मैं आपको आगे को लेके चल रहा हूँ फोगला आश्रम की तरफ में। जी आप जो रोड देख के पहचान गए होंगे कि ये रोड कौन सा है। कुछ लोग भी ये भी कमेंट्स वगैरह आए हो, मैंने पढ़ो कल, तो थोड़ा सा मतलब वो लगो कि बोल रहे कि यार लोगों ने गुमराह मत करो, क्योंकि गुमराह करना मत बेकार है। देखो मैं आपको बता दूं, अपन को कोई भी गुमराह करने में कोई आनंद ना आ रहा, लेकिन मैं विशेषकर आपको ये बता रहा हूँ कि भाई वृंदावन में बहुत भीड़ है, क्योंकि देखो अपनी सुविधा और अपना ख्याल अपने हाथ में है। यदि आपको कुछ अगर होए, प्राय श्री राधा रानी ऐसा ना करें, अगर बाई चांस कुछ होए तो भैया वाकई जिम्मेदार तुम रहोगे, ना कि मैं रहूँगा ना कोई और कोई रहेगा। यही मारा मैं आपसे हर बार यही विनती करूँ कि अभी भीड़ है, अभी आप लोग वृंदावन में ना आए, सबसे ज़्यादा भीड़ है अभी। आप जाए देख के ये मत अनुमान लगा लियो कि भीड़ बिल्कुल ना है। अगर मैं आपको मंदिर की तरफ लेके गया हूँ ना भाई, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि कितनी भीड़ है, बहुत सबसे ज़्यादा भीड़ चल रही है अभी। तो जय मारा मेरा पर्पस भी यही है कि मैं आपको डेली अभी 5 जनवरी तक तो मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँ, डेली वो कर लूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मेरे कंटेंट में कोई दम ना है, क्योंकि प्राय मैं यही दिखा रहा हूँ, पर मेरा दिखाने का पर्पस भी यही है कि आप लोग थोड़े से भीड़ है देख के आप लोग ना आए, क्योंकि यदि आप भीड़ में दबदबा गए ना तो भाई भीड़ का दबाव बहुत रहे, आप लोग बुरी तरीके से परेशान है जाओगे और ना चाह के भी आपकी कोई मदद ना कर पाए, क्योंकि इतनी भीड़ है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आई की तरफ में चल रहे हैं, और आप लोग सोच रहे हो कि प्रशासन हेल्प ना कर रहा हो, पुलिस वाले ना हेल्प कर रहे, तो मैं आपको बता दूं पुलिस वाले दिन रात लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा में। बेचारे वो लोग खाना पीना भी ढंग से ना खा रहे हैं, क्योंकि वो आप लोग की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग आए हो जहाँ न्यू ईयर पे मनाए हुए को उत्सव है, तो आप सब आराम से मना मनू के अपने घर पे चले जाओ, तो उनका बस यही पर्पस है। कुछ लोग कमेंट्स भी करें यार प्रशासन भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक बार आप देख आके देखो जब तुम्हें पता पड़ेगी कि प्रशासन कहाँ है, कैसी चीज़ है, पुलिस वाले कितना आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं ना रख रहे। घर बैठे आपको कछु पता ना पड़ेगी, बस आप लोगों ने कमेंट करने का बस वो है। तो देखो जहाँ में कोई वो ना है, आप लोग सिचुएशन को देखो, सिचुएशन है समझो कि कैसी सिचुएशन है, बाकी बाद में ही थोड़ा बोलने में अच्छा लगे, है ना। मेरे को कोई प्रॉब्लम ना, आप खूब बोलो, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कह सको, कुछ भी बोल सको, लेकिन भाई हर चीज़ की मर्यादा रहे, मर्यादा में अगर आप लोग रहोगे, मर्यादा में बोलोगे तो बहुत अच्छा लगे। तो देखो अभी हम लोग जो इस्कॉन मंदिर हम लोगों ने पार कर लिया है, अब मैं आपको परिक्रमा मार्ग की तरफ मैं लेके चलूंगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी बहुत भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है, आप देख ही पा रहे हो। तो लेकिन अभी जो सोच रहे हो ना कि अभी थोड़ी सी भीड़ नजर आ रही है, स्कूल की बस भी दिख रही है भाई, क्योंकि स्कूल बगल में या हमारे दिख रही है। तो अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, आप देख रहे हो जो ये परिक्रमा मार्ग है, यही जगह थे हम लोग आए को जाके रमन रेती में पहुंचेंगे, और रमन रेती की तरफ में जो रास्ता गई का है, हम लोग रमन रेती में ना जाके गौरी गोपाल आश्रम की तरफ में चलेंगे, वहाँ की भी स्थिति देखेंगे। तो देखो भाई हमें अनुमान लग आप लोग लगा ही सको कि आज परिक्रमा मार्ग में तो आपको भीड़ भाड़ थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन हाँ भीड़ है। तो देखो जरूरी ना है कि आप लोग बिहार जी के दर्शन करो, अच्छी बात है। तो देखो आप लोग जब वृंदावन आओ तो सबसे पहले यमुना महारानी जी, लता पताओ के दिव्य दर्शन, उसके बाद में आप लोग परिक्रमा करो, बाकी बाद में ही आप लोग जो है कोई ब्रजवासी लेके बांके बिहार जी के दर्शन के काजे आप लोग जाओ, क्योंकि देखो डायरेक्ट बांके बिहार जी के पास में ना जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में ये चीज भी है, इन चीज के भी दर्शन आपको जरूर से जरूर करना ही चाहिए, तभी ही बांके बिहार जी को के दर्शन को फल प्राप्त हो करे। तो देखो अभी हम लोग आगे की तरफ में चल रहे हैं, आगे में जाके दर्शन करेंगे। तो देखो अभी मैं आगे ललिता बाग है, और ये जो ललिता आश्रम के पास में, यहाँ भी आपको थोड़ी सी भीड़ नजर आएगी, ज्यादा भीड़ ना है। आप लोग वृंदावन की परिक्रमा अभी आसानी से लगा पाओगे, क्योंकि देखो भाई भीड़ है ना है, आराम से दर्शन हो पाएंगे और आराम से आप परिक्रमा लगा सको, जमुना जी के भी आप दिव्य दर्शन कर सको, लेकिन
विशेषकर भीड़ बहुत है अभी मंदिर की तरफ में, परिक्रमा की तो तरफ मैं तो ना है, विशेषकर ध्यान रखियो भीड़ में घुसने की जरूरत ना है यदि आप लोग आ गए हो तो। कुछ लोग बोल रहे कि भैया हम लोग आ चुके हैं, अच्छी बात है आप लोग आ गए हो, आप सबन को स्वागत है श्री धाम वृंदावन में। लेकिन विशेषकर ये ध्यान रखियो कि जहां भीड़ हो ना तो वहां आप लोग जाइए मत, वृंदावन में बहुत मंदिर है, आप वहां जाके भी दिव्य दर्शन कर सको। अभी मैं जो कंटेंट है अपना थोड़ा चेंज करूंगा अगले आने वाली वीडियो में, मैं अभी थोड़े से कुछ उत्सव के बारे में आपको, मंदिर के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जी अभी हम लोग आ गए गौरी गोपाल आश्रम पे, तो आप गौरी गोपाल आश्रम पे भी आप देख पा रहे हो कि भाई भीड़ बहुत है, अच्छी खासी भीड़ है। और गौरी गोपाल आश्रम का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग यह नाम है सुन के समझ गए होंगे कि जिस स्थान कौन सी जगह है, जिस स्थान है श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। आप देख रहे हो भाई परिक्रमा मार्ग में बहुत भीड़ है, अच्छी खासी आराम से, पर लेकिन भाई उतनी भी भीड़ ना है, आप लोग आराम से वृंदावन की परिक्रमा या समय लगा पाओगे। ये मैं आज की अपडेट बता रहा हूँ आपकी, क्योंकि कल की मैं कह ना सकूँ, क्योंकि यार वीडियो देख के आप लोग ये मत सोच लियो कि भाई भीड़ भाड़ थोड़ी कम है तो हम लोग कल निकल लें, जिसका भाई आप लोग की गलत फहमी रहेगी। क्योंकि अभी कल 31 तारीख है, 31 एक दो तीन चार पाँच को खूब अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है, और अब हम लोग आई की तरफ में चलेंगे और आई की तरफ में और हम लोग जानेंगे। तो मैं अभी जो लेके आ गया हूँ ये गीता कृष्ण कृपा धाम पे, तो कृष्ण कृपा धाम पे देख के भी पता लगा लिया होगा तुमने और समझ भी गए होंगे कि जो कौन सा मंदिर है, बहुत दिव्य मंदिर है, यहाँ भी आप श्री जी के दिव्य दर्शन कर पाओगे। क्योंकि देखो बहुत बहुत विशेषकर यहाँ सरकार विराजमान है, आप देख लियो। और जय जी का तब होते हुए हम लोग पहुँचेंगे अटल्ला चुंगी पे, क्योंकि अभी अटल्ला चुंगी आपको पड़ी होगी, जब मैंने बताई ना आपको दो रास्ता मिलेंगे आपको, तो वही दो रास्तन पर से होते हुए हम लोग आओ वहाँ जाके मिल लेंगे। क्योंकि देखो अभी हम लोग की पूरी परिक्रमा लग गई, हमने अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करे, अटल्ला चुंगी से होते हुए बाकी व्याजी होते हुए परिक्रमा मार्ग होते हुए हम लोग वही स्थान पर फिर से पहुँच जाएंगे। यदि आपको ब्लॉग पसंद आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करियो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलियो। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के काज भैया और राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, आप सब पे श्री जी की कृपा बनी रहे, आप सब न्यू ईयर को उत्सव खूब धूमधाम से मनाओ और अपने घर पर ही रहो, अच्छे रहो, खुश रहो और अपने लाल जी में ही बाकी बिहार जी की सेवा करो। और क्योंकि देखो भीड़ में आने की जरूरत है ना, भीड़ में हमारे बाकी बिहार जी ना मिले और आप भीड़ में अच्छे से दर्शन भी ना कर पाओगे। तो भैया अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलियो। और अब आ गए हम लोग अटल्ला चुंगी पे, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण।